हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मशहूर शहर मुंबई के बारे में। ये वही शहर है जो कभी सोता नहीं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई सपनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की पॉपुलेशन 3,30,00,000 है, जो देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर का गठन लावा से बने हुए 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ था। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से पानी के रास्ते और हवा के रास्ते से आने वाले जहाजी यात्री और पर्यटक सबसे पहले मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई का भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। ये शहर भारत के घरेलू उत्पाद में 5% की भागीदारी रखता है, जो पूरे भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25% है। इस शहर का ओरिजिन मुंबा देवी से हुआ है। मुंबई में हर वर्ष करीबन 87 इंच बारिश होती है। पूरे भारत में करीबन 2 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं, जिसमें से अकेले मुंबई ही में 64,00,000 लोग रेल यात्रा करते हैं। मुंबई के इतने तरक्की करने के बाद भी यहाँ का एक काला सच है, और वो ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ मुंबई में ही पाई जाती हैं। इस शहर की 60% आबादी गंदी बस्तियों में रहती है। भारत का सबसे पहला 5-स्टार होटल मुंबई में ही है, जो ताज होटल के नाम से मशहूर है। मुंबई की दिल की धड़कन इस शहर की लोकल ट्रेनें हैं। अगर यह एक दिन थम गई तो समझो पूरा मुंबई थम गया। मुंबई की लोकल ट्रेनें हर आम खास हर इंसान को अपने अपने सही जगहों पर पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से मुंबई इतना तरक्की कर पाया है। यहाँ की लोकल ट्रेनों के साथ साथ यहाँ की और एक और चीज़ भी फेमस है, वो है यहाँ के डिब्बे वाले। ये डिब्बे वाले पूरी मुंबई को खाना पहुंचाते हैं, और ये मुंबई ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये डिब्बे वाले आधी से ज़्यादा मुंबई का पेट भरते हैं, और ये समय के बहुत पाबंद हैं। मुंबई में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हाजी अली, जो कि पानी के बीचों बीच एक मज़ार है। और यहाँ का ये मानना है कि ये मज़ार कभी डूबता नहीं। हाजी अली के साथ साथ मुंबई में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जैसे लोनावला, मांडवा, एलिफेंटा द्वीप, येऊर हिल्स के जैसी बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जहाँ आप पूरे वीकेंड तक बोर नहीं होंगे। लोनावला छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार जगह है, जो मुंबई से सिर्फ 96 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हिल स्टेशन जितना अपनी चिक्की के लिए मशहूर है, उतना ही अपने मनमोहक दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। लोनावला मुंबईकरों के लिए बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, तो अगर आप कभी मुंबई घूमने जाते हैं तो लोनावला ज़रूर जाइए, आपको वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं इसी तरह आपके भी शहर की वीडियोस लाता रहूँगा।